नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेयर थ्री एजुकेशन में, जहां मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एमपी जीके का एक वीडियो, जिसमें हम एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे कि अभी आपकी ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की एग्ज़ाम आ रही है, इनमें भी एमपी का वेटेज रहेगा। एक और जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट्स और नोट्स की ज़रूरत है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो नंबर है आपके 9977651282। इन नंबर पे आप कॉल करके प्रैक्टिस सेट्स और नोट्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारा वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, मटकी नृत्य को ज़्यादातर किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में, जबलपुर क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा आपका ए, यानी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जो है मटकी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्न में से किस प्रदेश क्षेत्र यानी किस जिले में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? खंडवा, बैतूल, हरदा या छिंदवाड़ा? तो इसका आंसर होगा हरदा, यानी कि सतपुड़ा श्रृंखला जो है वो हरदा जिले में नहीं है, और खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा इन तीनों जिलों में जो है सतपुड़ा श्रृंखला फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ? ऑप्शन है हमारे पास मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। अगर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म पूछा जाए किस जिले से संबंधित है मध्य प्रदेश के, तो वो है ग्वालियर से रिलेटेड, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल इंजन के लिए संकर्षण यानी ट्रैक्शन अल्टरनेटर उद्योग प्रस्तावित किया गया है? तो जिले हैं, ऑप्शन ए सतना, ग्वालियर, विदिशा या भोपाल। तो इसका आंसर होगा सी यानी विदिशा। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल इंजन के लिए बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है आपका विदिशा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर दसपुर अब किस नाम से जाना जाता है? यानी इन जिलों में से किस जिले का नाम दसपुर था? तो वो है आंसर आपका मंदसौर। भोपाल, झाबुआ, विदिशा नहीं है, वो है आपका मंदसौर। मंदसौर का प्राचीन नाम जो है वो है दशपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में से एक स्थित है? बैतूल, जबलपुर, इंदौर या मंडला, इनमें से कहाँ वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थित है? तो वो है आपकी जबलपुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश की कुल मैंगनीज की लगभग कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में से निकाली जाती है, यानी मैग्नीज का कितना उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है कुल उत्पादन का? तो वो होता है आपका 50%, यानी 50% जो मैग्नीज है पूरे देश की वो निकाली जाती है मध्य प्रदेश से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सकल बुआई क्षेत्र के सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? तो वो है आपका सीधी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान कब शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान शुरू किया गया 3 फरवरी 2001 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राजवंशों में से एक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो वो है आपके कौन से संबंधित नहीं है, वो है प्रतिहार। बाकी परमार, कायचूरी और चंदेला मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल वो कहाँ स्थित है? वो है आपकी भोपाल में। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो वो है भोपाल में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संत सांदीपनि का आश्रम कहाँ स्थित है, तो वो है आपका उज्जैन में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गुजरी महल ग्वालियर, बघेलीन महल मंडला, जहांगीर महल ओरछा,
मदन महल सागर। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर डी, यानी कि मदन महल जो है सागर में स्थित नहीं है। बाकी गुजरी महल जो है आपका ग्वालियर में स्थित है, बघेलीन महल जो है मंडला में स्थित है, जहांगीर महल जो है ओरछा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जवाहरलाल नेहरू पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो है आपकी सागर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो मंदिर जो है किसने बनवाया था? वो बनवाया था चंदेल शासकों ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बेतवा, चंबल, महानदी या ताप्ती? तो इसका आंसर होगा ताप्ती नदी, यानी ताप्ती नदी जो है वो आपकी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर ताप्ती नदी बहती है। एक और नदी जो है नर्मदा, ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये भी जो है अरब सागर में गिरती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर। तो इसका आंसर होगा भोपाल, यानी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो है आपका भोपाल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेपानगर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यानी नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है, चीनी के लिए प्रसिद्ध है, जूट के लिए प्रसिद्ध है, या समाचार पत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका समाचार पत्र के लिए, कागज़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपका नेपानगर। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है? निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो वो होती है आपकी होशंगाबाद में, होशंगाबाद में सर्वाधिक सिंचाई होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष उज्जैन में अगला सिंहस्थ आयोजित किया जाता है? ये आपका पूछा गया था 2015 में, तो इसके हिसाब से 2016 में आपका हो चुका है सिंहस्थ। अगर इससे अगला पूछा जाए तो हर 12 सालों में होता है, तो हम काउंट करें तो वो अगला जो होगा वो होगा आपका 2028 में। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि अगला सिंहस्थ कब आयोजित होगा? तो वो होगा 2028 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश में सबसे पहले की गई, यानी मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये जो है पहला विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का कौन सा एकमात्र जिला है जहाँ हीरे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है आपका पन्ना, हीरा पन्ना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद या कटनी? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म जो है वो हुआ था भोपाल में। अगर अटल बिहारी वाजपेयी का पूछा जाए तो वो हुआ था आपका ग्वालियर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की राज्य फसल क्या है? जैसे कि इसका राज्य पशु था बारहसिंघा, वैसे ही राज्य फसल कौन सी है? तो वो है आपकी सोयाबीन। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की यहाँ कौन से जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो वो है आपकी इंदौर में। इंदौर काफ़ी विकसित सिटी है एमपी की, इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वो हुआ था आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल कौन रही हैं? तो मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल रही हैं सरला अग्रवाल। अगर सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये थी यूपी की राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है, मध्य प्रदेश बिहार की है, या मध्य प्रदेश राजस्थान की है, या मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की है? तो पेंच जल विद्युत परियोजना जो है वो है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की। मध्य प्रदेश का एकमात्र भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर? तो इसका आंसर होगा इंदौर। इंदौर में आपका IIT
और IIM दोनों स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस शासक ने ओरछा को बुंदेला की राजधानी बनाया? तो बुंदेला से ही पता चल रहा है, ऑप्शन ए बुंदेला। निम्नलिखित में किस शासक ने ओरछा को बुंदेला की राजधानी बनाया? तो बुंदेला ने बनाया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे? मध्य प्रदेश में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, इंदौर भोपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? वो है आपका बारहसिंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर में तानसेन समारोह मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका ग्वालियर में। तानसेन का जन्म भी ग्वालियर में ही हुआ था। इनका वास्तविक नाम राम तनु पांडे था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर का प्राचीन नाम अवंतिका था? जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा था वो था मंदसौर के बारे में, जिसका प्राचीन नाम दशपुर था, वैसे ही निम्नलिखित में से किसका नाम अवंतिका था? तो वो था आपका उज्जैन का। उज्जैन का प्राचीन नाम जो है अवंतिका था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? मध्य प्रदेश की सीमा पांच राज्यों से मिलती है, जिसमें आपका है गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? इसका आंसर है 59.2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है? तो वो छूती है आपकी छत्तीसगढ़ को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? मालवा पठार, बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार, रीवा पन्ना पठार। तो वो आता है आपका बघेलखंड पठार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? पार्वती नदी का उद्गम जिला है सीहोर। पार्वती नदी का उद्गम जिला है सीहोर, यानी पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वो सीहोर जिलों से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंडला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मंडला जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है? मृदा अपरदन यानी मिट्टी खिसकती है वहाँ से, तो इसका आंसर होगा मुरैना। मुरैना जिले में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वो है आपका जबलपुर में। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो है आपका जबलपुर में। 52 थड़ी सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो वो है आपकी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अपनों ने पेंच पढ़ा था, पेंच परियोजना भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की थी। 52 थड़ी सिंचाई परियोजना भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की थी। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बारहसिंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसलिए मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ का भी इसी 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो वो है आपका छिंदवाड़ा में। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है आपका छिंदवाड़ा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिम मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है आपका जबलपुर में। पश्चिमी मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ये भोपाल का ऐसा है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसकी सीरीज हम चलाते रहेंगे, इसके आगे भी क्वेश्चन लाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।